पेनाइल इम्प्लांट क्या होता है तो उसके बारे में आज बात करते हैं। पेनाइल इम्प्लांट यानी आर्टिफिशियल और मैकेनिकल इन्फ्लेशन और इरेक्शन इन द पेनिस, मतलब लिंग में कठोरता आने के लिए कुछ मैकेनिकल डिवाइस होता है और उसको पेनाइल इम्प्लांट कहते हैं। क्या होता है कि लिंग में कठोरता आना जब बंद हो जाता है तो आदमी परेशान होता है क्योंकि सेक्स नहीं है या सेक्स कर नहीं सकता, तो उसको लगता है कि अभी मैं तो पुरुष नहीं रहा, मैं तो मेल नहीं हूँ और अभी मेरे में कुछ रहा नहीं है, और उसको बहुत गिल्टी फीलिंग लगता है। फिर उसको लगता है कि मेरी औरत जो है, पत्नी जो है, वो उसको सुख नहीं मिलेगा, तो उसको सुख नहीं मिलेगा तो और कहीं वो अपना संपर्क करेगी, कहीं रिलेशनशिप बना लेगी, तो उसमें वो बेचैन रहता है और खुद को मजा नहीं आता करके वो अलग अलग मेडिसिन ट्राई करते रहता है। तो उसमें फिर एलोपैथी में जैसा मैंने पहले बताया कि सिल्डेनाफिल है, टाडालाफिल है, वर्दानाफिल है, वो दवाई लेता है। फिर उसके बाद में फिर पेपेवरिन के इंजेक्शन है तो वो लेता है। अभी सब कोशिश करने के बावजूद भी, मतलब एपरेटस वैक्यूम, एपरेटस की जो वैक्यूम तैयार करके उसका इरेक्शन करता है तो वो वापर के देखा, रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है वो देखा कि रिलेशनशिप में कौन से प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से उसको इरेक्शन नहीं आ रहा है, कठोरता नहीं आ रही है। काउंसिलिंग किया, सब करने के बावजूद भी अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली लास्ट चॉइस जो हमारे पास में बचता है वो है आर्टिफिशियल इम्प्लांट। तो ये मैकेनिकल डिवाइस है कि जो पेनिस में, मतलब लिंग में कट करके उसमें डाल देते हैं और फिर उसमें स्टिच कर देते हैं। अभी इसमें दो प्रकार के इम्प्लांट रहते हैं, एक रहता है कि सेमी रिजिड, मतलब वो सेमी रिजिड है, कड़क है मगर आधा अधूरा कड़क है, और वो थोड़ा सा यदि इरेक्शन पेनिस में आ रहा है तो वो इरेक्शन और ये आधा अधूरा ऐसा मिला के कुछ ना कुछ संभव है और कुछ ना कुछ इरेक्शन संभव हो सकता है और वो सेक्स हो सकता है। कुछ रहते हैं वो कि है इन्फ्लेटेबल, मतलब पूरा इन्फ्लेट करना है उसको और पूरा का पूरा इन्फ्लेट होगा, अदरवाइज वो एकदम फ्लेक्स होकर रहता है। वो इम्प्लांट है कि जिसमें कुछ बाकी रिजिड कठोरता नहीं रहती, एकदम ही ढीला हो जाता है और जब सेक्स करना है तो उसको इन्फ्लेट करते हैं और इन्फ्लेट करने के बाद में सेक्स होता है। तो ये यदि करते हैं तो उसमें फायदा हो सकता है। मगर अभी ऐसा है कि आज ही सवेरे सवेरे मुझे एक व्यक्ति का फोन आया, बोल रहा था कि मेरे लिंग में कठोरता बिल्कुल ही नहीं है, उम्र है करीब करीब 40 साल की, सब तरह की दवाइयाँ हो गई, सब साइकोथेरेपी हो गई, मगर मेन बात सब दवाई में लेकी, मतलब ले लिया, मेन बात यह है कि औरत की, मतलब पत्नी की और उसकी पट्टी नहीं है। वो बोलते हैं कि अभी क्या, मेरी उम्र हो गई, अभी दो बच्चे भी हो गए, अभी इतना क्या है लिंग सेक्स करने में, उसमें इतना क्या पड़ा है, अभी नहीं किया तो चलता है, फिर वो ना बोलेंगी तो ऐसा क्यों हो गया। तो बोले हाँ ऐसा हो गया कि एक दो बार मैं बहुत थक के आया था, फेल हो गया, उसकी बहुत इच्छा थी और मैं कर नहीं सका, तो ऐसा दो बार हुआ, उसके बाद में मेरा कॉन्फिडेंस निकल गया, कॉन्फिडेंस निकलने के बाद में अभी मैं जब जब जाता हूँ तो पहले डर लगता है कि अभी होगा नहीं होगा, ऐसा फिर और 8-10 बार फेल हो गया, उसके बाद में उसने पूरा उसमें का इंटरेस्ट निकाल लिया कि नहीं आप कुछ नहीं कर सकते, मेरा टाइम खराब मत करो, मुझे तुम उद्युक्त करते हैं, मतलब उत्तेजना लाते हो और बाद में कुछ करते नहीं हो, और अभी वो उसको झिड़कारती है, बातचीत नहीं करती, झंझा झगड़त कर, मतलब झगड़ा करती है। अभी आदमी बोले तुम ऐसा भी करके मुझे इरेक्शन ला के दो, मुझे सर्जरी भी चलती है। मतलब ये देखो सर्जरी का भी ऐसा है कि आपकी उम्र एक तो नहीं है सर्जरी की, आपका आपस में बेबना हो गया है, अभी उसमें सर्जरी भी करेंगे तभी होगा नहीं, क्योंकि आपको मजा नहीं आएगा, सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा बराबर, और आपको पहले जरूरत है वो है काउंसिलिंग की, और आप काउंसिलिंग करते हैं, आपसी बेबनाव ठीक करते हैं और फिर आपको कुछ मेडिसिन मैं दूंगा तो आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपने आपका कॉन्फिडेंस खोया हुआ है, एक दो बार नहीं हुआ और आपने कॉन्फिडेंस कमा दिया और अभी उसके बाद में फिर ट्राई किया, उसके बाद में और कॉन्फिडेंस जाता गया और वो विशेष साइकिल में फंस गया है। तो अभी हम काउंसिलिंग करेंगे, दोनों मिलके बातचीत करेंगे। बोले बिल्कुल नहीं, वो तो तैयार ही नहीं होती, वो डॉक्टर के पास में आने को तैयार नहीं, बोलते आप एक दो बार पहले करके बताओ, आप अच्छा करके बताएंगे फिर मैं डॉक्टर के पास में आऊंगी। भला ऐसा नहीं रहता, पहले डॉक्टर के पास में आओ बाद में अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा यदि कोई मतलब औरत अपने पति के ऊपर यदि वो ऐसा प्रेशर डाल दे कि अभी मेरे को होना है और करके बताओ, तो ऐसा कोई करके कर नहीं सकता है कि भाई अभी मन चाहे तो इरेक्शन लाए, मन चाहे तो इरेक्शन नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। तो उसको प्रेशर है, टेंशन है दिमाग में, तो सेक्स होगा नहीं। सेक्स कब होता है कि रिलैक्स वातावरण है, कोई प्रेशर नहीं है, तान तनाव नहीं है, और उसमें वो सेक्स अच्छे तरह से कर सकता है। तो पहले उनको मैंने सलाह दिया कि पहले आपके संबंध अच्छे करो और बाद में आपका सब कुछ ठीक हो सकता है। तो ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ ताकि लोग
उसका खुले दिल से आप लोग बोलते नहीं, बातचीत नहीं करते, तो लोगों को वीडियो के माध्यम से सेक्स के बारे में एजुकेशन देना ये मैं ठीक समझता हूँ। इसलिए वीडियो ज़्यादा लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।